chapter 9, verse 2 to 10. ईशा ने यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे तब तक वे ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ न देख ले। चौदह दिन बाद ईसा ने पेत्रुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके पर वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियास और मूसा दिया दिखाई दिए। वे ईसा ने साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेत्रुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यह होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम तीन तंबू कड़े कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल ने से यह बानी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं। ईसा ने पहाड़ से उतर समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से नहीं जी उठे तब तक तम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात माना ली, परंतु
वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। ये प्रभु का सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद।